Hello guys, welcome back to my YouTube channel Cmon Vlogs and another vlog. Today I am going to Kakarvitta Nepal. Where are we going? Without permit, Nepali cars, Nepali normal plate cars. In India, where are we going? Where are we going? Check the car. Kakarvitta Bazaar. Yo, here I see Asian Highway 2 starting. Here I see going. That car. Asian Highway 2. Kakarvitta cross by. Here I यता माथिको बाटोबाट जान जान दिदैन रहेछ ठुल ठुल ट्रकहरु मात्र यो मुनिको बाटो देखिरहेछ यहाँबाट जानु पर्ने रहेछ साइड रोडबाट यो बाटो यहाँ सम्म चाहिँ आउँदा रहेछ यताको गाडीहरु अनि 3.5 भने चाहिँ यो पानट्याङ्की बजार होला सायद है ये नया बने को एशियन आया टू को ब्रिज जाने जो तड़ा होने चाहिए तब बड़ा रही है यहाँ लास्ट लास्ट स्टेशन हो ये चाहिए Kakarvitta बॉर्डर हो मैं ले फर्स्ट टाइम नहीं यहाँ संभाले को गाड़ी चाहिए यहाँ से प्राय बेन उन चाहिए Kakarvitta को बॉर्डर लास्ट बॉर्डर हो यहाँ चाहिए वारी पारी जाने को लगी या तो सुविधा को लगी एकदम ये सिटी आरो रिक्शा आरो वारी पारी बड़ा होने आ रहे हैं ना पारी देखिएगो बाजार से पांडे क्या नहीं है मेची खोला हो मेची खोला है पुके जस्ट हमें मेची खोला पारी क्रॉस कर इस अगेंस्ट से पांडे की बाजार हो माथी और अपनी गाड़ी रुक कुछ त्याग से ये खोला गया यहाँ गाड़ी तो वीडियो बनाने दी देना वाले सुनी रहते हैं सामान मत दिन चाला यहाँ पूरे यो रिक्शा रो जाम लगी रहेगा रिक्शे रिक्शे मत रहेगा तेरे से मेची खोला हो यहाँ देखी इधर तो इंडिया इधर तो नेपाल हो लास्ट मेची बोर्डर हो अल्लाह, आमिर साहब मैं ची बोर्ड और माँ, पर यहाँ से सिटी रिक्शा को जाम लगी रहा, नो इत्रो बिन रिश परा, लो यहाँ राइडिंग ग्रुप रहिचा इंडिया डा कोई डुक 390 टूला, इंडियन मोटोवलॉग वाला रहिचा तो भीड़ हो गई है तो जान ये तो इस तो भीड़ हो रहा है सब सब भाई मैन चेहरे पारी जाने के लिए लाइन में बस नहीं पता रहा है बड़ा बाला अरे मौसे बोर्डर बाला अलग क्रॉस कर रहा था ये बागड़ रखा लगे गए रहा थी ये एसएन आईवेट टू वाला है अब कहाँ समझान दिन से तेरे था थे ना है ना के परमिट अर्थ ले कुछ है ना मतलब कहाँ लगे रहे थे रोकने हो तेरे तो मालवन था थे ना यहाँ से पूरे ये नेपाल तेरा हम रो दाल चावल पकड़ा प्याज कोपी यारो मिले खाने से यहाँ आराम दे रहे थे यो Kakarvitta बोर्डर हो
एकदम यो ट्रकहरू चाहिँ अब रातिको समयमा यहाँबाट छिर्छ होला, अनि अहिले दिनमा चाहिँ टक्कै दिनमा चाहिँ यहाँ लाइन लगायो, अनि रातको समयमा चाहिँ छिर्नुको लागि बसेको होला सायद। बागडोग्रा पुग्नुभन्दा अगाडि चाहिँ हाम्रो पोल्युसन चेक हुँदो रहेछ गाडीको, उनीहरूको लागि यहाँ पोल्युसन चेक गर्ने ठाउँमा आएको छौँ। अनि यहाँ पोल्युसन बनाउने 200 लाग्दो रहेछ, 6 मन्थको भ्यालिडिटी हुँदो रहेछ पोल्युसन। अनि इन्डिया जानुको लागि चाहिँ त्यो चाहिँ बनाउनै पर्ने रहेछ, नत्र यहाँ चाहिँ फाइन परिने रहेछ। अनि म कस्तो दामी रोड क्या, नेपालमा नै यस्तै रोड बनाउनु पऱ्यो सरकार, कस्तो मजा आउँदो रहेछ कुदाउनु। बबाल बबाल, यस्तो हो नि त रोड भनेको त यसलाई भन्छ नि त। एसियन हाइवे 2 सिलगढी 14 किलोमिटर रहेछ, बागडोग्रा चाहिँ 0 किलोमिटर, मतलब बिना हुने आयो यहाँसम्म चाहिँ भनौँ न। एक दुई ठाउँ रोकिरहेको थियो, अनि 200 पोल्युसन कार्ड हुँदो रहेछ इन्डियामा चाहिँ, त्यो बनाउन लगायो। यो चाहिँ बागडोग्रा रहेछ होइन, समथिङ घर चाहिँ मुनि मुनि रहेछ, अनि रोड चाहिँ माथिबाट क्या, घरभन्दा माथिबाट। कस्तो दामी देख्थ्यो क्या, त्यहीँ माथि यो हरियो हरियो फुलहरू बाबालाई देख्दो रहेछ, बबल बबल। अहिले चाहिँ हामी दार्जिलिङ मोड अगाडिपट्टि छौँ, अनि यहाँबाट दार्जिलिङ जान सकिन्छ। यहाँ तर माथितिर गयो भने त दार्जिलिङ जाने हो, अनि सिधा गयो भने बागडोग्रा, यता गयो भने चाहिँ सिलगढी जता पनि जान सकिन्छ। पूर्व मेची हो बोर्डर हो, चहल पहल एकदम हुँदो रहेछ, घाम अस्ताउन आँटेको होला पनि, झुल्किन आँटेको होला पनि यहाँ। हजुर, घाम अस्ताउन आँट्यो है, सिलगढी पुगेर फर्किँदै गरेको, पर्मिट बेगर नै पुगेर आइयो हामी चाहिँ, पुगेर आइपुग्यो। नेपालको नम्बर प्लेटको बाइक देख्ने त्यतिकै सोधेको सोधै गर्दो रहेछ, है यो चाहिँ मेचीको काकरभिट्टा बोर्डर। सिटी रिक्साको मात्रै बजार रहेछ यहाँ चाहिँ, यता पनि सिटी रिक्सा, उता पनि सिटी रिक्सा। पहिला यहाँ चाहिँ रिक्सा मात्रै चल्थ्यो, हाम्रो मेची हो। मेची बोर्डर हो, ल आइपुग्यो आइपुग्यो, नेपाल आइपुग्यो। हजुर हजुर।
यहाँबाट 27 किलोमिटर दमक 49 चिसा पानी भनेको चाहिँ 900 किलोमिटर रहेछ है त एकदम यो काकरभेटा बजार बबल बबल